आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के अशोक विहार थाना पुलिस ने एक क्रिमिनल को पकड़ा जिसके पास से चोरी की स्कूटी और एक बटनदार चाकू बरामद हुआ। पकड़ा गया क्रिमिनल अशोक विहार थाना क्षेत्र का घोषित बैड कैरेक्टर निकला। पहले भी इसके ऊपर लूट व चोरी के 11 मुकदमे दर्ज मिले। पकड़े गए आरोपी का नाम सुमित और पुकार है जिसकी उम्र 30 साल है। यह वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के झुग्गी का रहने वाला है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस पोस्ट की पुलिस टीम ने बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। जब पुलिस टीम राजा पार्क झुग्गियों के पास में पेट्रोलिंग कर रही थी तब उन्हें एक शख्स संदिग्ध हालत में आता हुआ दिखाई दिया जो एक स्कूटी को पैदल खींच रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। जब वह शख्स स्कूटी को वहीं छोड़कर पैदल भागने लगा पुलिस टीम भी तुरंत समझ गई और उन्होंने पीछा कर उस शख्स को पकड़ लिया। पकड़े गए शख्स का नाम सुमित और पुकार मिला। तलाशी लेने पर उसके पास एक चाकू भी मिला और जांच करने पर स्कूटी चोरी की मिली जो कि शालीमार बाग एरिया से चुराई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पूछताछ जारी है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।